12वें दिन का ध्यान, क्रिएटिंग अ सेफ एंड लविंग वर्ल्ड, एक महफूज और मोहब्बत भरी दुनिया बनाना। टुडे यू लर्न अबाउट हाउ टू डिफ्यूज द पावर फियर हैज ओवर यू एंड ट्रस्ट दैट लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ यू। आज आप इस बारे में सीखेंगे कि किस तरह ताकत के खौफ को आप पर छाया हुआ है और इस पर भरोसा करें कि ज़िंदगी आपका ख्याल रखती है। आपके 12वें दिन का ध्यान, एक महफूज और मोहब्बत भरी दुनिया बनाना। और आज और हर दिन सीखने के समय के रूप में सोचिए, एक नई शुरुआत या उस सोच को बदलने और अपनी परेशानी को एक नए अंदाज पर खोलने और नई सोच, नई फिक्र, सोच विचार और नए तरीकों पर फिक्र करने का अंसर है। हम जिस दुनिया में रहने का सपना देखते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी कायनात दुनिया बनाने में मदद करती है। मेरे साथ आओ, जैसे हम खुद को और अपने ग्रहों को नए खुशहाल तरीकों से देखते हैं, एक ऐसी दुनिया की दुआ और ख्वाहिश करें जहां पर सभी की ख्वाहिशें जो हों, जहां कोई चाहे वो अपने आप को खुश और महफूज महसूस करे। बच्चों को हर जगह कीमती और अनमोल समझना, जहां सभी बाल गायब हो जाते हैं। बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उनको अच्छे तरीके से तरबियत करते हुए स्कूलों को देखें कि कैसे खुद को प्यार करें, रिश्ते कैसे हों, माँ बाप कैसे हों, पैसे कैसे संभालें, कैसे अच्छे तरीके से अपने आप को महफूज रखें। फिर सभी बीमार लोगों को फिर से अच्छा होते हुए देखें। बीमारी एक माजी की बात बन गई है, क्योंकि डॉक्टर लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना सीखते हैं। दर्द और गम, तकलीफ को गायब होते हुए देखें और अस्पतालों को अपार्टमेंट की इमारतों में बदलते हुए देखें। दुआ करें सभी बेघर लोगों की देखभाल होते हुए और उन सभी के लिए नौकरी मिलते हुए, ढूंढते हुए जो काम करना चाहते हैं। गार्डों और कैदियों को हिफाजत रूम से उनके साथ इंसाफ होते हुए जेलों को देखें। ज़िंदगी प्यार करने वाले ज़िम्मेदारी नौकरी को रिहा करें। चोरों को उनकी सज़ा देते हुए देखें, उनकी गलतियों से, और गुनाहगार को उनके गुनाह से हटाते हुए देखिए। अपने प्यारों को उनकी मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करें और उनका भला करें, और देखें कि सरकार हुकूमत लोगों की परवाह करती है। सभी के लिए इंसाफ है, सभी के लिए भलाई होते हुए देखें, क्योंकि सभी लोग ईमानदार हो गए हैं, क्योंकि लालच ख़त्म हो चुका है। देखें मर्द और औरत एक दूसरे को इकट्ठे खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आसानियां बांटते हैं, क्योंकि दुनिया के सभी इंसान ख़त्म हो जाने हैं। दुनिया के सभी इंसान एक दिन ख़त्म हो जाने हैं। साफ़ पानी, अच्छी खुराक और पाक हवा
हम सभी के लिए ज़रूरत है। अब चलो बाहर चलते हैं और साफ़ बारिश को महसूस करते हैं, और जैसे ही यहाँ रुकते हैं बादल दूर हो जाते हैं और सूरज निकलते ही हमें एक खूबसूरत मंज़र दिखाई देता है। साफ़ हवा पर ध्यान दें, इस हवा की ताज़गी को सूंघो। नदी नालों में पानी चमकता हुआ देखें, हरे भरे खेतों पर ध्यान दें, घने जंगल और बागों में फूल और सभी के लिए फल और सब्जियां, पूरे इलाके, पूरी दुनिया के बीच सभी खुशहाली, पुरसकून और आराम दा माहौल को देखें। जैसे ही हम अपनी बाहें बिछाते हैं और हम अपने दिल को खोलते हैं तो देखते हैं पुराने ज़माने की तरफ, बहुत ही पुरसकून देखते हैं। हम सभी को एक होते हुए देखें, सच्चे बहन भाइयों की तरह जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। देखें पूरी दुनिया को, हमारी ज़मीन के खत्ते को ठीक और पूरी होती हुई देखें, मुश्किलात और मसले ख़त्म हुए होते हुए देखें, क्योंकि ज़मीन में सुकून राहत बहुत अच्छे से सुकून से फैल रही है। इस दुनिया में होने वाली चीज़ों के बारे में सोचें, जैसा कि आप इन फिक्रों को अपने दिमाग में नहीं रखते, और दुआ और इल्तिजा करें कि आप इस कई ज़्यादा पुरसकून, खुशहाल और अच्छी दुनिया को बनाने में मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।